दोस्तों मीनाक्षी सेशाद्रे बॉलीवुड की सुपरहिट अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। अपनी अदाकारी और खूबसूरती के बल पर उन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद मीनाक्षी ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। दोस्तों मीनाक्षी सेशाद्रे के बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरियां बनाने की वजह जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए या फिर आप मीनाक्षी सेशाद्री के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मीनाक्षी सेशाद्री का जन्म झारखंड के सिंदरी में हुआ था। 17 साल की उम्र में साल 1981 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। मिस इंडिया का खिताब जीतने के 3 साल बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और उनकी पहली फिल्म थी पेंटर बाबू। मीनाक्षी सेशाद्री की फिल्म हीरो टिकट खिड़की पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म में उनके अपोजिट जैकी श्रॉफ थे और इसके अलावा मीनाक्षी सेशाद्री ने दामिनी फिल्म से सभी को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना लिया था और अपने करियर में उन्होंने मेरी जंग, घायल, सहनसा जैसी कई सुपरहिट फिल्में भी दी है। बॉलीवुड पर राज करने के बाद मीनाक्षी सेशाद्री ने साल 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली थी। मीनाक्षी शादी के बाद अमेरिका में जाकर रहने लगी थी और इन दोनों ने न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड मैरिज की है। दोनों के एक बेटा और एक बेटी भी है। मीनाक्षी को एक्टिंग के अलावा डांस का भी बहुत शौक है। फिल्मों से उन्होंने भले ही दूरी बना ली हो, लेकिन डांस से खुद को जोड़े रखा। उन्होंने अमेरिका में एक डांस स्कूल खोल रखा है। यहाँ बच्चों से लेकर सभी उम्र के लोगों को डांस सिखाती है। मीनाक्षी यहाँ भारतीय क्लासिकल डांस की अलग अलग विधाओं से लोगों को परिचित करा रही है और सिखा भी रही है। मीनाक्षी खुद भरतनाट्यम से लेकर कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी डांस में परफॉर्मेंस बच्चों को सिखा रही है। तो दोस्तों आप सभी का मीनाक्षी सेशाद्रे के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।